वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे स्क्विंट के ऊपर कि स्क्विंट क्या होता है। बेसिकली कंडीशन होती है हमारी आईज की, जो कि कभी कभार क्या होता है, या तो आपकी आई की किसी नर्व के डैमेज होने की वजह से कंडीशन बनती है, या फिर ऐसा होता है कि हमारी आईज में मसल्स होती है, जैसे हमारी बॉडी में मसल्स होती है, हमारी आईज में भी मसल्स होती है जो हमें हेल्प करती है किसी भी डायरेक्शन में देखने के लिए। तो कभी कभार क्या होता है, वो सारी आईज में से कुछ मसल्स दूसरे मसल्स की कंपैरिजन वीक हो जाती है। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कंपैरिजन क्या होता है कि हमारी जो मसल वीक होती है वो उसको अपनी स्ट्रेंथ नहीं दे पाती है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो हमारी आई जो है वो डेविएट कर जाती है किसी अदर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें देखना है वहाँ देखते हैं, हमारी किसी अलग डायरेक्शन में चली जाती है। तो वो जो कंडीशन बनती है दैट इज कॉल्ड स्क्विंट। गाइज, स्क्विंटिंग एक ऐसी हमारी आईज की कंडीशन होती है, उसको हम स्ट्रैबिज्मस भी कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी ये दोनों आईज हैं वो प्रॉपर अलाइन नहीं होती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हमारी दोनों आईज में ही हो, कभी हमारी एक आई में होता है, कभी कभार दोनों आई में हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा कन्वर्जिंग होता है इस इमेज की तरह। इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, या तो वो कन्वर्ज यानी कि अंदर की साइड भी हो सकता है, डाइवर्स बाहर की साइड भी हो सकता है, आपका सुपीरियर साइड हमारी आईज अप साइड में भी डाइवर्स हो सकती है, डेविएट हो सकती है, या डाउन भी हो सकती है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है उसकी, जो हमारी आईज डेविएट होती है, ये चीज़ क्लियर। अब इसका कारण क्या होता है, तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि इट्स बाय बर्थ कंजेनाइटल कंडीशन बोलते हैं, जो जन्म से होती है वो हो सकती है, एक्सीडेंटली कभी कभार एक्सीडेंट में कोई नर्व डैमेज हुई है, मसल पे असर पड़ गया है, चोट लग गई है उसकी वजह से, या फिर हेरिडिटरी लाइक अनुवांशिक तौर पे जेनेटिकली जिसको बोलते हैं कि फैमिली में अगर पेरेंट्स को था देन डेफिनेटली बच्चों को आएगा ही आएगा। सो दिस आर द कॉजेज। और एक चीज़ क्या होता है, जैसे कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, जब बच्चे पैदा होते हैं या नॉर्मली जितने भी पीपल्स होते हैं, उनका ये जो नेजल बोन होता है ये बहुत ज़्यादा फ्लैटन होता है। फ्लैटन होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो आईज के बीच का गैप है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमारी आईज प्रॉपर अलाइन नहीं दिखती हैं, जिसके कारण हमारी आईज में एक स्यूडो स्क्विंट कंडीशन बनती है। स्यूडो इन द सेंस कि फेक, वो झूठा स्क्विंट दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे बाय द टाइम वो ज़्यादा देर रुकता नहीं है, वो अपने आप क्योर हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर डरना है तो किन कंडीशनों में डरना है, वो चीज़ें ये हैं जो मैं आपको आगे बता। जब बात करते हैं हम कि कंजेनाइटल स्क्विंट है यानी कि बाय बर्थ हुआ है, तो वही है कि पेरेंट्स में फैमिली में किसी को था तो वो हो गई, ऑब्वियस वाली बात है कि कुछ वीक्स में आपको ये चीज़ें दिखने लग जाती हैं बर्थ के बाद, जब बच्चे की आँख प्रॉपर खुलती है, आईज स्टेबल नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि कंजेनाइटल स्क्विंट है। तो उसमें क्या रहता है कि सर्जरी होती है, या आप उसको चश्मे के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई आपकी की बात कर रहे हैं, हम कंजेनाइटल हुआ था तो वहाँ डरने वाली बात है कि बाय बर्थ बच्चा उस चीज़ को लेके पैदा हुआ है तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे। अब सेकंड कंडीशन इज लाइक हाइपरमेट्रोपिया, या जब हमें पास का देखने में प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसमें वो फोकस नहीं करते हैं। अब क्या होता है, जब हमारी एक आई से हम कोशिश कर रहे हैं, जिस भी आई में प्रॉब्लम है उससे क्या होता है, हमको वो चीज़ डबल दिखती है, धुंधली दिखती है, तो बच्चे क्या करते हैं उस आई का यूज़ करना छोड़ देते हैं। ठीक है, वो जो हमारी नॉर्मल आई है हम उसका यूज़ करने लगते हैं। ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जब मान लीजिए जो रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं, जब चश्मे का नंबर आता है तो दोनों आईज में आता है, करेक्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों आईज में आता है, कभी कभार एक आँख में भी आता है। तो जिस आँख में आ रहा है वो आई हमारी वीक होना स्टार्ट हो गई, उसकी मसल्स अच्छी नहीं है, लेकिन उस आई से हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, हमारे लिए उस आई के लिए काम क्या करता है, वो दूसरी अच्छी वाली आई करने लगती है। वो कंडीशन कहीं ना कहीं दूसरी आई को लेजी बनाने लगती है। तो वो कंडीशन जब बन जाती है तो उस कंडीशन का भी एक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्लॉयपिया, उसको एम्ब्लॉयपिक आई बोलने लगते हैं। तो एक ये कंडीशन बन के सामने आती है, जिस वजह से डरने वाली बात है कि हमको जाना है डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि लेजी आई होना अच्छी बात नहीं है। तो ये रीज़न मैंने बता दिया कि किस कंडीशन में हमें डरना चाहिए, हमें कब डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। अब बात करें कि किसी अदर रीज़न की, तो कभी कभार बच्चे बीमार पड़ते हैं, उसका कारण ये होता है कि कभी जैसे वायरल फीवर आता है, या मीजल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मीजल्स लाइक चिकन पॉक्स तो स्मॉल वाले होते हैं, उस कंडीशन में भी स्क्विंट बनने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर हम बात करें, एक प्रॉब्लम हो जाती है मेनिंजाइटिस, बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन बोलते हैं इसको, तो इस कंडीशन में ये हो सकता है कि यहाँ पर जाकर भी स्क्विंट बन जाए, इसमें डरने वाली बात है। अदर थिंग इज दैट कि किसी भी नर्व में इंजरी हो जाती है, किसी भी वजह से, इंजरी मतलब चोट लगना, हमारी किसी भी नर्व में इंजरी हो जाती है, वो कंडीशन वहाँ पे स्क्विंट बनाती है, जिसके लिए आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने आप ठीक नहीं होगा। और अलग चीज़ जो मैंने सबसे पहले बताई थी आपको, कि अनुवांशिक तौर पे जेनेटिकली रहता है कि फैमिली में किसी को था तो होना ही होना है। तो बेसिकली इसका जो ट्रीटमेंट है वो सबसे बेस्ट होता है स्पेक्टिकल्स। इस कंडीशन में जो स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं, जिसमें हम प्रिज्म लेंसेज यूज़ करते हैं, तो वो डॉक्टर आपको देगा। दूसरी चीज़, स्क्विंट की आप सर्जरी करा सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि पैचिंग के लिए बोलते हैं डॉक्टर साहब को। पैचिंग क्या रहता है, जो आई आपकी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है,
उसको वो बोलेंगे कि अनकवर्ड स्ट्रॉन्ग है, उसको पैच से कवर करना है ताकि जो वीक आई है वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अच्छा देखने की कोशिश करें. तो मेरी कंडीशन ऐसी है कि लाइक दिन भर में मेरे साथ बहुत सारे लोग से टकराते हैं तो वो बताते हैं कि बच्चा हमारा वो पैच लगाना नहीं चाहता क्योंकि इस लाइक बैंडेज की तरह वो आई पे चिपकता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है छुड़ाते वक्त. और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको हर 3 घंटे 4 घंटे में पैचिंग करनी है. तो सबसे बेस्ट है कि ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे तो आपको वो पैचेस मिल जाएंगे जो चश्मे को कवर कर देते हैं. जिस भी आई को कवर करना है आप उस तरफ उस पैच को पहना दीजिए और बच्चे को फ्री कर दीजिए कि ठीक है अब तुम अपना वर्क करना स्टार्ट करो. उससे क्या है बच्चे को कोई हार्म नहीं हो रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उसकी स्टिकनेस से. बहुत सारे लोग आते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ आती है, हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं था, कि जनरली लोग नहीं बताते हैं. तो गाइज ऐसी चीज़ आती है, आप उसको ऑनलाइन किसी भी साइट से मंगा सकते हो जैसे कि अमेजोन की साइट या फ्लिपकार्ट की साइट. बाकी मैं आपको कमेंट फर्स्ट कमेंट में इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगी कि आप किस इसको कहां से कैसे मंगा सकते हो. इट्स सो मच ईजी. बट ये है कि जब भी आपका बच्चा ज़्यादा मोबाइल देख रहा है या उसकी आईज स्टेबल नहीं है उसको अच्छे टाइम पे नोटिस कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उसको नोटिस कीजिए वो क्या चीज़ है क्या नहीं है. अगर आप नहीं जज कर पा रहे हैं तो डैम श्योर कि हॉस्पिटल में उसको बता दिया जाएगा कि वो क्या चीज़ है. लेकिन यह है कि आपको समय रहते हर चीज़ पे ध्यान देना है. ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए जो मैंने आपको नॉलेज बताई दिया अपने एंड से, उसको जितना ज़्यादा अपने लाइफ में अच्छी जगह आप यूज़ कर सकते हैं कीजिए. मेरे चैनल पे अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. इस इन्फॉर्मेशन को जितना आगे शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए. बाकी जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मिलूंगी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.